तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे इसी साल जो है एक शिवलिंग मिला था, खुदाई हुई थी। हेलो जी, नमस्ते, कैसे आप सभी लोग? भाई लोग बहुत ही बढ़िया। तो भैया आज हम देखिए सुबह सुबह चले आए हैं शीतला माता मंदिर दर्शन के लिए। तो अभी हम दर्शन चल रहे हैं, आए हैं, आज उनका उद्घाटन होने वाला है। तो सभी लोग इधर देखिए चल रहे हैं, अशोक मम्मी भैया भी आई है। तो हम आ गए हैं यहाँ शीतला माता धाम पर, तो अभी जस्ट हम चल रहे हैं। और आज बता दें, आज बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और इधर मेला भी लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं, मेरे हाथ में इधर है हलवा पूरी भी चढ़ेगा। तो भैया आज है गुरु पूर्णिमा, इसलिए आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। हमको पता नहीं था, यहाँ आने के बाद हमको पता लगा है काहे इतना भीड़ है। तो पता लगा कि भैया आज है गुरु पूर्णिमा, यही बजे इतना भीड़ है यहाँ पे। देखिए चलते हैं, पहले जगह ढूंढते हैं हम लोग। मेरे हाथ में ईंधन है प्रसाद बनाने के लिए। ये है शीतला माता मंदिर का परिसर, अभी तो लगभग 1.5 किलोमीटर चल के जाना है। ये है दोनों तरफ, और ये सारी सजावट नवरात्र से ही की गई हुई है, क्योंकि जस्ट अभी अभी नवरात्र खत्म हुआ है। लो भैया, अभी आधा किलोमीटर और चलना है। दुकानें खूब सजी हुई हैं यहाँ की दोनों तरफ। तो भैया भारी भीड़ बचीरते हुए पहुंच गए धाम पर। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे देखिए ले लिए हैं ये चूल्हा, ये सामने, और मम्मी आ गई हैं, मनीषा भाभी की मम्मी है, गुड़िया है, विकास है, और सामने मनीषा भाभी के पापा हैं, अशोक हैं। और चलते हैं, यहाँ पे हम लोग तो चूल्हा ले लिए हैं, सारा सामान रखते हैं और चल रहे हैं गंगा जी में स्नान करने। लेकिन बच्ची का मुंडन करवाना है तो उसके बाल भी उतरवाएंगे। तो चलिए अब गंगा जी के किनारे, ये देखिए कितना भीड़ है आज। तो भैया आई है मनु, और आज मनु का बाल उतर जाएगा। अभी देखना मनु का बाल, अभी देखना। तो भैया बाल उतारने वाले आ गए हैं। चलो भाई, चलो मनु, चलो तैयार हो जाओ भाई। दीदी जा रही है, फोटो पे क्लिक करके, फोटो क्लिक करूं? फोटो पे क्लिक करें। दीदी जा रही है बाबू को देखिए मन्नू को नहलाने, गोदी में ले ली है। बाबू जा तो दीदी और भैया देखिए, दीदी और भैया देखिए बाबू गए हैं नहलाने। तो भैया गंगा स्नान हो गया है और हम लोग आ गए हैं। तो चलते हैं, यहाँ बनाएंगे देखिए प्रसाद, और प्रसाद बना लेंगे उसके बाद चलेंगे पूजा करने। देखिए इधर लोग प्रसाद बना भी रहे हैं, देखिए यहाँ प्रसाद बन रहा है इधर और इधर, इधर सब लोग इधर प्रसाद ही बना रहे हैं। माता रानी का प्रसाद यहाँ हम लोग बनाएंगे। और ये है मन्नू, बाल उतर गया। तो भैया देखिए हम बना रहे हैं प्रसाद, तैयारी है, बस हलवा बनाना है। हाँ तो देखिए, तो मनीषा भाभी की मम्मी, हाँ ये रही, पानी मंगा लेना। सब लोग देखिए प्रसाद बनाने में लपटे हुए हैं, अब जल्दी प्रसाद बनने वाला है। और बाकी लोग देखिए वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तख्त पे बैठ के खा पी रहे हैं। तो भैया हमारा प्रसाद बन गया है और हम लोग चल रहे हैं, देखिए माला फूल ले लिए हैं दर्शन करने के लिए। तो हम आ गए हैं शीतला माता मंदिर जी के एकदम द्वार पे। तो ये है माता का द्वार,
दोनों का दर्शन हो गया है, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हवन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी हैं, इधर हवन हो रहा है, यहाँ पे हवन हो रहा है। तो सामने माता जी का मंदिर है, सामने द्वार है, और जैसे सामने ही यहाँ पे देखिए हवन हो रहा है। तो पूजा तो हम लोग कर लिए हैं, और अभी जस्ट मंदिर बंद हो गया है, 11:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है आधा घंटे के लिए। तो हम लोग दर्शन करके जस्ट अभी निकल गए हैं मंदिर बंद होने से पहले। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, हम लोग हवन कर लेते हैं। देखिए सब लोग दर्शन करके आ गए हैं, अशोक भी दर्शन करके आ गए हैं, मनीषा भी, बाबू को भी नींद आ रहा है। हाँ, ये तो सो गए भैया, ये सो गए, सो के ही हवन करेंगे। बुढ़िया कभी तो यहाँ पे लोग माता का नारियल तोड़ते हैं, और मनीषा यहाँ पे पूजा कर रही हैं, दीपक जरा जला रही हैं। मंदिर बंद है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं मंदिर खुलने का। तो भैया पूजा पाठ हवन सब करके आ गए हैं, सबको दे दिए हैं प्रसाद, सभी लोग प्रसाद देके खा रहे हैं। तो हमारा भी आ गया है यह प्रसाद, चलते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं। इतना गर्मी, इतना पसीना नहा लिए हैं गंगा जी में नहाने के बाद, पसीना से फिर नहा रहे हैं। तो भैया हम लोग का बोरिया भीतर बंद गया है, अब हम सब लोग निकलने वाले हैं, पूजा पाठ हो गया, चलिए चलते हैं अब सब लोग। चलिए हमको मौका मिल गया है टोन कसने का, तो हमको जब मौका मिलता है तो हम छोड़ते नहीं हैं जो है। चलो चला भैया, अपने अपने श्रद्धा और मान्यता के हिसाब से लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और बता दें कि शीतला माता के मंदिर में जो भी मान्यता लोग मानते हैं जरूर पूरी होती है। तो देख रहे थे झंडा लेके जा रहे थे, उनकी मान्यता पूरी हुई थी, इसीलिए वो लोग झंडा लेके और बाजे गाजे के साथ जा रहे थे। तो चलते चलते दुकानें सजी हैं, तो थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर लेते हैं, बच्चे इंतजार करेंगे कि हम लोग क्या लेकर आए हैं। तो भैया थोड़ा थोड़ा खरीदारी भी हो जाए, क्यों बढ़िया, क्या लेना है? बड़ा मन कर रहा है सब। मल्लू को क्या चाहिए, चश्मा? ये रहा मल्लू, इधर देखो हीरो, इधर मल्लू, इधर देखो, वाह ये तो हीरो लग रहा है भाई। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे इसी साल जो है एक शिवलिंग मिला था, खुदाई हुई थी। तो उस वक्त हमारे घर से कुछ लोग आए थे, देख कर गए थे, लेकिन हम नहीं आ पाए थे। तो मुझे आज मौका मिला है, तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं कि जो शिवलिंग मिला था वो यहीं पे है, हम उसी के पास आ गए हैं, दर्शन भी करते चलते हैं। हर महादेव, चलिए। तो देखिए यहीं पे है, यही देखिए यहीं पे, यही खुदाई से यहीं पे ये शिवलिंग मिला था। चलते हैं पास में थोड़ा, तो देखिए इतनी बड़ी जो है शिवलिंग यहीं पे मिली थी। जय हो भोलेनाथ। तो भैया चलते हैं महादेव पे, जल भी चढ़ा देते हैं, चढ़ाते हुए फिर निकलेंगे। महादेव जी का प्रसाद, चलिए ये हम ले चलते हैं, ये प्रसाद चढ़ाते हैं। तो
भैया हम सब लोग घर आ गए हैं और घर आने के बाद जो है हम लोग को मनीषा भाभी की तरफ से मिल रहा है नेक जोग। आप लोग कह रहे थे ना कि मनीषा भाभी हम लोग को क्या दी हैं, तो भैया आज दी हैं मनीषा भाभी जम के नेक जोग खूब दी हैं। तो देखिए ये मिला है हम लोगों को साड़ी, साड़ी के साथ सब कुछ है। किशन भी आगे पढ़ के ओए किशन का स्कूल था इसलिए किशन नहीं जा पाए, छोटी भी नहीं जा पाई है ना। मनु मनु बाल बनवाने के बाद कैसा लग रहा है? मनु को हल्का लग रहा है और हवा लग रहा है बेल में, मनु के बेल में हवा लग रहा है ना मनु। तो भैया घर आ गए हम, अभी वक्त बज रहा है 2:30 और दे रहे हैं देखिए सबको प्रसाद और ये मिठाई मिला है मायके से। ये निकालो छोरा निकालो। तो देखिए ये मिठाई मिला है रस भरी और साड़ी पैसा बहुत कुछ नेक जोग में मिला है भाई। हाँ गुड़िया मौसी भी आए हैं, मल्लू भी आया है, मौसा जी भी आए हैं। ये साड़ी मिला है हमको देखिए मायके से, मनीषा भाभी दी हैं, बहुत पसंद है, बहुत अच्छी साड़ी है, साथ में चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, लगे ठीक है ना।